Hello, Pucham. Let's read the question. Present question, two statements, assertion and reason, ke form mein given hai. Assertion says a hollow lens behaves like a thin glass plate, and reason says power of this lens becomes zero. तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल एजर्शन के अकॉर्डिंग हम कंसीडर कर लेंगे एक हॉलो लेंस. तो हॉलो लेंस को जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो पहले आ जाएगा हमारे पास में इस तरह से एयर बाउंडेड लेंस और ये आ जाएगा हमारे पास अगेन ग्लास की बाउंड्री. सो हम देख सकते हैं कि इस दोनों केसेस में हमारे पास में दो सरफेस अपीयर होते हैं. तो ये दो सरफेस को हम सेपरेटली कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं. ये आ जाएगा हमारे पास में लेफ्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस एंड अनदर विल बी द राइट रिफ्रैक्टिंग सरफेस. ये इस तरह से दो सरफेसेस आ गए. अब देख सकते हैं हम कि दोनों की ही जो रेडाई ऑफ कर्वेचर है वो सेम है बिकॉज ये एक ही लेंस के दो पार्ट्स हैं. तो हम निकाल सकते हैं 1/f1 = μ-1 इस लेंस के लिए, 1/r - 1/r. तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास में जीरो. तो इट मींस क्या हो गया, हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो फोकल लेंथ है वो इंफिनिटी की तरफ टेंड करती है. सो अगर फोकल लेंथ इंफिनिटी की तरफ टेंड करती है तो ये क्या हो जाएगा, किसके जैसा बिहेव हो जाएगा, इसका एक थिन पैरेलल ग्लास प्लेट की तरह बिहेव हो जाएगा. सो वी कैन से दैट द एजर्शन स्टेटमेंट इज ट्रू. ये जो हॉलो लेंस है उसका बिहेवियर एक थिन ग्लास प्लेट के जैसा है. अब रीजन में हमें चेक करना है कि वेदर द पावर ऑफ दिस लेंस इज जीरो और नॉट. तो बच्चों अगर फोकल लेंथ हमारे पास में इंफिनिटी है इट मीन्स क्या हो गया, पी वन की वैल्यू जीरो हो जाएगी. सिमिलरली जब हम इस सरफेस की रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ फाइंड करेंगे, जब दिस इज ऑल्सो 1/f2 = μ-1, देन इस लेफ्ट सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा -r, और ये जो राइट राइट सरफेस है इसके लिए भी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाले सरफेस के लिए इसके लिए भी आ जाएगा -r. सो दिस इज इक्वल्स टू जीरो. इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि P2 = 0. तो दोनों ही रिफ्रैक्टिंग सर्फेसिस के लिए जो पावर की वैल्यू है वो जीरो आ चुकी है. सो द रीजन इज ऑल्सो ट्रू. सो देयर फोर रीजन assertion को एक्सप्लेन करता है एंड हेंस करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए. थैंक यू.